हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया है दो क्वेश्चंस में। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, आज सीधे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 2017 राम एंड कृष्ण स्टार्टेड ए क्लोथ बिजनेस विद कैपिटल ₹10,000 and ₹8,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2017 को राम और कृष्ण जो दो पार्टनर हैं, उनने कपड़े का व्यवसाय चालू किया है और उनकी कैपिटल है 10,000 और 8,000। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू गेट 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल एंड कृष्णा वाज एंटाइटल्ड टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसमें ये दिया है कि पार्टनर्स जो है उनको 10% से उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा और कृष्णा जो दूसरा पार्टनर है उसको 300 पर मंथ सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट फर्म का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच इक्वल डिवाइड होगा, मतलब बराबर समान अनुपात में। ईच पार्टनर वाज एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ ₹250 पर मंथ एज ड्रॉइंग विथ इंटरेस्ट। जो सभी पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर हैं, उनको ₹250 पर मंथ फर्म से निकालने का अधिकार होगा। द अकाउंट वर क्लोज्ड ऑन 31st March 2018। उनके जो फर्म के अकाउंट हैं वो 31 मार्च 2018 को क्लोज किए जाते हैं एंड देयर वाज प्रॉफिट ₹6,050 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। मतलब उस वर्ष का लाभ, 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है वो ₹6,050 है इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st March 2018 अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या क्या बनाना है? हमें 31 मार्च 2018 को एक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है दो कंडीशन में। तो एक कंडीशन है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सिंपल क्वेश्चन है। मैंने जब आपको शुरू में फॉर्मेट समझाया था तो आपको बताया था कि कैपिटल दो तरह की होगी, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएट। तो फिक्स्ड कैपिटल होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होगी तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट हमने पढ़ी लिया दो क्वेश्चंस में। फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट ना, ये हमने पढ़ी रखा है। अब सबसे पहले इसमें बाय साइड में क्या आता है? उस फर्म का प्रॉफिट जो उस साल का था, बाय बैलेंस बी। उस फर्म का जो प्रॉफिट है वो 6,050 है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बार बार गलती होती है स्टूडेंट से, वो है इन लोगों ने जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2017 को, मतलब 31 अक्टूबर 2017 और जो क्लोजिंग है वो दिए 31 मार्च 2018। मतलब इसका मींस क्या हुआ कि बिजनेस चालू हुआ है 1 अक्टूबर को और क्लोज अकाउंट क्लोज कब करा है? 31 मार्च। कितने मंथ का है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मींस ये है कि ये जो क्वेश्चन हमें पूरा करना है वो 6 मंथ का है, ओनली 6 मंथ का। ठीक है, तो जो प्रॉफिट दिया है वो भी कितने मंथ का दिया है? 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो हम सारी चीजें 6 मंथ की लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। मतलब जितने भी आप सैलरी इंटरेस्ट एंड कैपिटल सैलरी जो भी होगा वो 6 मंथ का होगा। तो सबसे पहले हम टू साइड में पार्टनर्स को देंगे इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम और कृष्ण। अब राम की कैपिटल है 10,000। इसका 10% करना है और कितने मंथ का करना है? 6 मंथ का। मतलब 10,000 का 10% 6 मंथ का। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 6 से 2 बार और 2 से 5।
राम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 6 महीने का वो कितना आया? 500 रुपए, 500। कृष्ण का, कृष्ण की कैपिटल 8,000, उसका 10% 6 मंथ का, 0 से 0, 0 से 0, 6 से 2 बार, 2 से 4, 400। कृष्ण की कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना आ गया? 400। तो ये आ गया टोटल 900। ठीक है, अब कृष्णा को सैलरी मिलती है 300 पर मंथ, तो यहां लिखेंगे हम टू सैलरी, कृष्णा 300। अब इसको भी हम 6 मंथ का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट का हुआ 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक की सैलरी दी जाएगी, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1,800 रुपए। ठीक है, अब ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, ड्रॉइंग भी इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टोटल लगा दे, कहां का टोटल ज्यादा दिखा है? बाय साइड का, तो इस टोटल को दोनों तरफ से 6,050, 6,000, 2 नेट प्रॉफिट राम और कृष्ण। तो राम और कृष्ण में बांट देंगे प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करो तो 18,927, तो 6,050 में से माइनस कर दो 2,700, 0,533, 3,350, मतलब 3,350 रुपए ये प्रॉफिट बचा है। तो 3,350 रुपए प्रॉफिट को क्या करेंगे? राम और कृष्ण में इक्वल डिवाइड कर देंगे, बराबर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बराबर बराबर 3,350। अब बराबर का मतलब होता है 1:2, मतलब दो पार्टनर है तो 1/2, 1/2, 3 होते हैं तो 1/3, 1/3, 1/3, 2 से कैंसिल करें, 2 एकम 2, 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 1675, ये दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए 1675, 1675, 1675। तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। इसमें क्या नहीं आया पिछले क्वेश्चन से? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि 6 मंथ का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 6 मंथ का, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 मंथ का दिया है हमने, सैलरी भी 6 मंथ की दी है, ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन 6 मंथ पे बेस्ड है। तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। इसमें जो भी डाउट हो आप ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए दो कंडीशन दी है क्वेश्चन में, दो कंडीशन, कौन कौन सी दो कंडीशन है? कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, मतलब जब पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, तो फर्स्ट कंडीशन लिख देंगे व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। तो जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी तो दो अकाउंट बनेंगे, पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन नेक्स्ट सेकंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पहला अकाउंट बना रहे हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जितने पार्टनर उतने कॉलम, 20 राम और कृष्ण, ठीक है, पर्टिकुलर्स राम और कृष्ण, तीन पार्टनर होते तो एक कॉलम और बढ़ जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर्स राम कृष्ण, पर्टिकुलर राम और कृष्ण, ठीक है, ये फॉर्मेट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड ये ध्यान रखना है आपको, स्थायी पूंजी होगी, तो क्या होगा? सिर्फ कैपिटल आएगी, ओनली कैपिटल, तो ये लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। राम की कैपिटल है 10,000, देन कृष्ण की कैपिटल है 8,000, बस कैपिटल लिख दिया, फिर अब टोटल लगा दें। इसके अलावा कुछ भी नहीं आया, ओनली कैपिटल आएगी, तो ये बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी, 10,000, 8,000, 10,000, 8,000, 10,000, 8,000, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, इसमें सिर्फ कैपिटल है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में।
इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब पहला अकाउंट तो बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब सेकंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, मतलब जो चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी वो सब करंट अकाउंट में जाएंगी। तो इसको हम इतने इतना साफ कर देते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा करंट अकाउंट में। यहां से कैपिटल अकाउंट हटा देंगे और यहां से फिक्स्ड हटा देंगे, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो है फ्लक्चुएट, तो व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, मतलब जब कैपिटल कौन सी है परिवर्तनशील है, बार बार बदलने वाली, तो सॉरी अभी एक अकाउंट और बनाना है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग अभी फिक्स्ड ही रहने देते हैं, अभी एक अकाउंट और बनना है इसमें, एक अकाउंट कौन सा बनेगा करेंट अकाउंट, इसके बाद फ्लक्चुएट करेंगे, सॉरी। तो बैंक कैपिटल आर फिक्स्ड में सेकंड अकाउंट जो बन रहा है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो पार्टनर्स करंट और कैपिटल में सिंपल डिफरेंस है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल नहीं है, कैपिटल वो कैपिटल हम कैपिटल अकाउंट में लिख चुके हैं, इसमें कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी चीजें लिखेंगे। तो बाकी सारी चीजें कहां से आएंगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने टू साइड देखे हैं, तो सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, राम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम का कितना था 500 रुपए और कैश का कितना था 400 रुपए, ठीक है। इसके बाद सैलरी थी बाय सैलरी, तो कैश को 300 मिल रहे थे, राम को कोई सैलरी नहीं है, तो 6 मंथ की निकाली थी हमने कितनी 1800 रुपए, और प्रॉफिट आ जाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट कितना आया, कितना निकाला था हमने 1675, 3350 आया था, उसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। और टू साइड में क्या आएगा, टू साइड में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एक आता है ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ओनली ड्रॉइंग लिखेंगे। ड्रॉइंग कितनी है, 250 पर मंथ है, 250 पर मंथ, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 20, 15, 1500 रुपए, मतलब 1500 1500, दोनों का ड्रॉइंग 1500 1500, ठीक है। टोटल लगा दें, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो कहां का टोटल ज्यादा दिख रहा है आपको, यहां का 16521 2175, इसका भी एक ज्यादा है 18 4 22 3875, तो 3875 2175, इसमें से माइनस कर दें दिया जाएगा 2 बैलेंस सीडी, इसमें से माइनस करा तो कितना जाएगा 675, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, इसमें से माइनस कर दें तो ये आएगा 2375, 2375, ठीक है। अब इसके अलावा करंट अकाउंट कंप्लीट हो गए, करंट अकाउंट में सिर्फ कैपिटल नहीं आई, बाकी सारी चीजें आ गई। ये सारी चीजें कहां से लेकर आए हम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और ये ड्रॉइंग क्वेश्चन से, ठीक है। ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब जब कैपिटल फिक्स्ड थी तो दो अकाउंट बन गए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये फिक्स्ड में हो गए। अब सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन की है वो क्या है, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट, मतलब जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी, तो यहां से इसे करेंट अकाउंट नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, ओनली कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट यही रहेगा, इसको अपन क्लियर कर देते हैं। यहां लिखेंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट, मतलब जब पार्टनर्स की जो कैपिटल वो कौन सी है, फ्लक्चुएट करेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, मतलब अस्थाई या हिंदी में बोले तो परिवर्तनशील होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकेला बनेगा, ठीक है। और इस पार्टनर्स कैपिटल में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो उन दोनों अकाउंट में आएंगी, मतलब आप उन दोनों अकाउंट को छोड़ दो, अभी
सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी मतलब राम की कैपिटल है, राम की कैपिटल है 10,000 और कृष्ण की कैपिटल है 8,000। ठीक है, अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने जो टू साइड में चीजें लिखी हुई वो सब बाय साइड में जाएंगी। तो सबसे पहले आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो राम का इंटरेस्ट था 500, कृष्ण का था 400। ठीक है, इसके बाद सैलरी, बाय सैलरी, राम को तो मिलती नहीं है, कृष्ण को कितनी मिलती है 300 से 6 मंथ की कितनी हो गई 18, और बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना मिला था उन्हें 1675। ठीक है, और टू साइड में डेबिट साइड में आ जाएगी ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितनी थी 250 पर मंथ है, तो 250 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 1500। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बन गया है, कंप्लीट हो गया, सारी चीजें आ गई, अब हम टोटल लगा देंगे। कहाँ का टोटल ज्यादा है, डेबिट बाय साइड का, तो 10 और 11 12,175, इसका टोटल भी यही का ज्यादा 11,875। ये दोनों टोटल को यहाँ लिख लो 12,175, 11,875। ठीक है, ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, तो इसमें से माइनस कर दो आप 12,000 में से ये माइनस करें तो ये आ जाएगा 10,675। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दें तो 10,375, 10,675 और 10,375, ये फाइनल कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल किसकी, राम की और कृष्ण की। तो ये क्वेश्चन लेंथी था, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं आता, ये तो हमने बुक में दिया है इसलिए हमें पूरा करा है। एग्जाम में क्या होगा, ये या तो आपसे फिक्स्ड पूछा जाएगा या आपसे फ्लक्चुएट के बारे में पूछा जाएगा, मतलब दोनों का एक साथ नहीं पूछा जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल लिखी है, सबसे पहले कैपिटल लिखना है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद जो टू साइड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड में चीजें दी है वो सब बाय साइड में जाएंगी। ठीक है, और ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू साइड आता है डेबिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दिया नहीं है, ड्रॉइंग हमने लिख दी, और इसके बाद क्या करा, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया, मतलब ये सब टोटल लगाया फिर इस टोटल को लगाया, इस टोटल को दोनों तरफ लिख लिए, इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये आ गया, फिर इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, ये टोटल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। जो भी डाउट हो, मतलब जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड, वो आप ग्रुप में कंसल्ट कर सकते हैं। और ये पांचवा लेक्चर है, आज फिफ्थ लेक्चर है, चार पिछले चार लेक्चर की चार वीडियो आपके पास है, किसी भी सिंगल स्टूडेंट ने डाउट नहीं पूछा मुझसे, इसका मीन्स क्या माना है अपन, या तो आपको पूरा ही बहुत अच्छे समझ में आ गया, और या आप बिल्कुल भी बुक आपने उठाकर नहीं देखी है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप बुक खरीदो, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो पिछले स्टूडेंट्स किसी से ले लो लास्ट ईयर की। ठीक है, और आप फॉर्मेट पढ़ो और क्वेश्चन करके देखो, जो भी डाउट हो तो आप पूछो, अगर कोई डाउट नहीं पूछ रहा इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहली बार हम कोई चीज कर रहे हैं और सब पूरी समझ में आ गई है ना, तो फिर मैं ब्रह्मा जी बन जाऊंगा, मतलब क्योंकि अगर मेरा कोई समझ में पूरा ही टोटल समझ में आ गया तो वो तो इससे अच्छी कोई दुनिया में बात ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन करें, घर पर करके देखें, जो भी डाउट्स आए वो आप ग्रुप में कंसल्ट करें, ग्रुप में कंसल्ट नहीं करना चाह रहा है व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर लें कि सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये तब आप पूछेंगे, तब आप घर पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप जो इसको प्रैक्टिस कर लेना।